जय किसान साथियों, आप देख रहे हैं डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट रोग के बारे में। ये दोनों ही बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं और इनको हमारे जो किसान भाई होते हैं, यदि उनकी फसल पे आ जाते हैं तो वो इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये लेट ब्लाइट है या अर्ली ब्लाइट है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि हाँ, आप किस तरीके से बहुत ही आसानी से इनकी पहचान कर सकते हैं, साथ ही इसकी रोकथाम आप किस तरीके से करेंगे और उसके साथ साथ इनका आने का क्या कारण होता है। और ये जो दोनों रोग हैं, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, आपकी किसी भी फसल में आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा ये आते हैं आलू में, टमाटर में, उसके बाद धान में भी लग सकते हैं, बैंगन में या किसी और अन्य फसलों में भी, सब्जी वर्गीय फसलों में ये रोग आ सकता है। तो सभी की जो पहचान होती है सेम होती है, और जो भी मैं आपको दवाई बताऊँगा वो किसी भी फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं और उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जैसा कि आप जानते हैं, हम जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं उससे पहले हम उसके बारे में गहरी रिसर्च करते हैं, रिसर्च के बाद ट्रायल्स करते हैं, रिसर्च और ट्रायल्स के बेसिस पे जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं उन्हें हम आपके साथ साझा करते हैं। यानी कि हमारी जो भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है वो 100% सटीक और सच्ची होती हैं, आप उन पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट पर। देखिए, दोनों की यदि पहचान की बात करूँ, सिम्टम्स की बात करें, तो दोनों के जो सिम्टम्स होते हैं जो लगभग एक तरह के दिखाई देते हैं। दोनों में ही पत्तियों पर ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे और गहरे भूरे होते चले जाते हैं और पूरे पत्ती पर फैल जाते हैं, जिससे पत्तियाँ सूख जाती हैं। सेम ही सिम्टम्स हम तने पर भी देख सकते हैं और फ्रूट पर भी देख सकते हैं। तना भी क्या होता है, उस पर भी काले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे फैलकर पूरा तना हमारा सूख जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें जो लेट ब्लाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। फसल में आने के बाद 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही हमारी पूरी की पूरी फसल को नष्ट कर देता है, यदि हम इसकी शुरुआत में पहचान करके रोकथाम ना करें। इनमें हम आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पहचाने कि ये लेट ब्लाइट है या अर्ली ब्लाइट है, उसके लिए जो जब आप इन सिम्टम्स को देखेंगे, धब्बों को देखेंगे, तो जो ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, जो लेट ब्लाइट होता है इसमें आपको केवल ब्राउन कलर के धब्बे देखेंगे, लेकिन जो अर्ली ब्लाइट होता है यानी कि अगेती झुलसा रोग होता है, उसमें क्या होगा, ब्राउन कलर के धब्बों के चारों तरफ आपको येलोनेस दिखेगी, यानी कि पीलापन दिखाई देगा। उसके बाद एक और पहचान है कि जो अर्ली ब्लाइट के जो आप सिम्टम्स यानी कि जो धब्बे होते हैं उनको आप देखेंगे गौर से, तो उनमें आपको रिंग टाइप में दिखाई देगा, यानी कि छल्ले टाइप में दिखाई देंगे, लेकिन जो लेट ब्लाइट होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लेट ब्लाइट है या अर्ली ब्लाइट है। अब इनके आने का कारण जान लेते हैं। लेट ब्लाइट जो आता है वो फाइटोफ्थोरा फंगस के कारण आता है, और जो अर्ली ब्लाइट आता है, अगेती झुलसा रोग आता है, वो आता है अल्टरनेरिया सोलेनाई फंगस के कारण आता है। तो ये दोनों ही ऐसे मौसम में अटैक करती हैं जब बारिश लगातार होती रहे, सनलाइट नहीं निकलता है, 3-4 दिन तक लगातार बारिश होती रहती है, मौसम में नमी ज़्यादा बनी रहती है, उस टाइम पर ये अटैक करती हैं। तो ऐसे मौसम में आपको इनको रोज़ देखना और पहचानना रोग है या नहीं है ज़रूरी हो जाता है। यदि ऐसा हो रहा है कि 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो उसके बाद जैसे ही मौसम खुलता है तो आपको तुरंत स्प्रे करना चाहिए फंजीसाइड का, जो मैं आपको बताऊंगा, चाहे ये रोग है या नहीं है, क्योंकि ऐसे में आने के चांस 90% बढ़ जाते हैं। जैसा कि मौसम अभी फिलहाल चल रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, तो अभी आपको क्रॉप को प्रोटेक्टिव करना जरूरी हो जाता है, उस पर फंजीसाइड डालना जरूरी हो जाता है। अब जानते हैं कि इनकी रोकथाम हम कैसे करें, कौन कौन सा केमिकल इनके लिए अच्छा रहता है। तो सबसे पहले जो अर्ली ब्लाइट है उसके लिए जो सबसे अच्छा केमिकल रहता है, उसमें आप एंट्राकॉल का स्प्रे दे सकते हैं, जिसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना होता है। दूसरा जो होता है लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट के लिए जो सबसे अच्छा केमिकल है वो रेडोमिल गोल्ड के नाम से आता है, उसका भी आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, तो आपका लेट ब्लाइट कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको 3 ऐसे केमिकल बताता हूँ जो चाहे आपका लेट ब्लाइट हो चाहे अर्ली ब्लाइट हो, दोनों को ही बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। यदि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं लेट ब्लाइट है अर्ली ब्लाइट है, तो इन केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं, ये दोनों ही कंडीशन में आपकी फसल को सेफ रखेगा, चाहे वो अर्ली ब्लाइट हो या लेट ब्लाइट हो। तो उस दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम एक सिंजेंटा कंपनी का आता है क्वच, वो काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें को आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो आपका
दोनों ही अर्ली ब्लाइट हो या लेट ब्लाइट हो वो कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद आता है ड्यूपॉन्ट का कोसाइट 2000 के नाम से, आप उसका भी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है टाटा कंपनी का ब्लाइटॉक्स के नाम से, उसका भी आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो भी ये कंट्रोल हो जाएगा। जब भी आपकी फसल में कोई सी बीमारी आती है उसमें आप जब भी इन केमिकल का एक स्प्रे करें उसके 7 से 10 दिन बाद आपको दूसरा स्प्रे जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो बताए गए 2 केमिकल परचेज कर सकते हैं, एक बार एक केमिकल का स्प्रे करें और दूसरी बार दूसरे केमिकल का स्प्रे करें, इससे काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। यदि ये जो केमिकल मैंने आपको बताए आपको लोकल मार्केट में नहीं मिलते हैं तो इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन घर पर मंगा सकते हैं। तो किसान भाई यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।